हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी गुरु चैनल। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें स्टडी से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शाला त्याग प्रमाण पत्र एप्लीकेशन लिखकर बताने वाले हैं आपको किस प्रकार से आप शाला त्याग प्रमाण पत्र एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर आप विद्यालय छोड़ना चाहते हैं किसी कारणवश, तो अगर आप अपने प्राचार्य को एप्लीकेशन लिखकर दे सकते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में आपको शाला त्याग प्रमाण पत्र एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं। तो ये एप्लीकेशन ज़्यादातर एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, तो इसलिए आपको लिखना ज़रूर आना चाहिए और सही तरीके से लिखना भी आना चाहिए। तो इस वीडियो को चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे जो studygrow.com वेबसाइट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप नीचे जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टडी ग्रो जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित सभी अपडेट मिलते रहते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। यहाँ तो पहले लाइन में लिखते हैं श्रीमान प्राचार्य महोदय, इसके बाद में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आरुण, तो आपका स्कूल जहाँ भी हो तो उसकी डिटेल आप डालें। इसके बाद में फिर विषय में हम लिखेंगे शाला त्याग प्रमाण पत्र, यानी कि क्योंकि हम शाला त्याग प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इसके बाद में फिर महोदय डाल के कॉमा लगा के यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें। तो क्या लिखना है आपको, सेवा में विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि प्रार्थी ने आपके विद्यालय से कक्षा 9वीं की परीक्षा उत्तम अंक लेकर उत्तीर्ण की है, यानी कि उत्तम अंक के साथ पास की है। इसके बाद संयोगवश, यानी कि संयोगवश का मतलब है किसी कारणवश मेरे पिताजी का जो स्थानांतरण गुना हो गया है, तो आपका जो भी डिटेल हो गुना के अलावा दूसरा शहर भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपके आदर्श विद्यालय में आगे अध्ययन करने में असमर्थ हूँ, यानी कि आगे मैं पढ़ाई आपके विद्यालय में नहीं रख पाऊँगा। तो ऐसे ही आपके हिसाब से भी कोई डिटेल डालना है, अगर आप डालना चाहते हैं तो नहीं, इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो शब्दों का प्रयोग करना है वो उच्च क्वालिटी शब्दों का प्रयोग करना है, पूर्ण रूप से हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करना है। और अतः मुझे सधन्यवाद शाला त्याग प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुकंपा करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से जैसे आपकी एप्लीकेशन यहाँ से पूर्ण हो जाती है, तो आपको पूर्ण ही डिटेल डालनी है जो भी आपकी डिटेल हो। इसके बाद फिर नीचे लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आपका नाम लिख देना है जो भी आपका नाम हो। इसके बाद में कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं वो डिटेल डाल देना है। इसके बाद में फिर तीसरा अनुक्रमांक डालना है, यानी कि रोल नंबर, तो आपका जो भी रोल नंबर हो आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दिनांक डाल सकते हैं जिस डेट में भी आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अगर आप किसी एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको आपका सही नाम नहीं डालना है, और इसके आप आपको अनुक्रमांक भी नहीं डालना है, और आपको डेट भी डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसके स्थान पर आप एक्स 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 लगा सकते हैं या फिर कुछ भी ना लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और लाइक करके हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए।